जय माँ काली। दोस्तों, ये हमारा एक छोटा सा गांव है सुखनगर, जो कि बिहार के पूर्णिया जिले में पड़ता है। और हम 4 दिनों की दीपावली की पूजा करते हैं, माता काली की पूजा अर्चना करते हैं, बड़ी ही धूमधाम से, बड़ी ही आस्था है। और इस वक्त अभी आपको हम दिखा रहे हैं कि कैसे हमारी कुल देवी देवता की पूजा मेरी माँ अपनी बहू को समझाते हुए, आप देख सकते हैं किस तरह से ब्रह्म देवता की पूजा की जा रही है। और मुख्य रूप से 5 देवता की पूजा होती है हमारे यहाँ, और बहुत ही इसकी मान्यता है। हमारे पूरे गांव समाज के लोग आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से डायरेक्शन हो रहा है, और स्नेहा उसको फॉलो करते हुए, सीखते हुए कैसे पूजा अर्चना करता है। माँ काली का आशीर्वाद आप सब पे बना रहे। दोस्तों, ये मिथिलांचल के, बिहार के मिथिलांचल प्रांत में पूर्णिया जिले के छोटे से गांव अशोकनगर का मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। ये मेरा खुद का गांव है जहाँ मेरा बचपन बीता है, और ये माँ काली की भव्य प्रतिमा हर एक साल दीपावली के दिन बनाई जाती है। और ये 4 दिनों का पर्व होता है जो पूरे समाज और गाँव के लोग बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। आप देख सकते हैं कि मैं मंदिर में हूँ, और मुझे बड़ी ही खुशी हो रही है, और बड़ी बड़ी खुशी हर्षोल्लास के साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो पूजा होती है, ये 5ों गांव के लोग आते हैं, जो भी आसपास जितने भी 5-6 गांव हैं सारे लोग। आप देख सकते हैं किस तरह से कतार में लगे हुए हैं और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि माँ का दर्शन कब मिलेगा। तो माँ के दर्शन के साथ साथ ये लोग पान की प्रथा है, जो मिथिलांचल एरिया से जो लोग होंगे वो समझ पाएंगे कि लोगों की जो मन्नत होती है वो माँ से मांगते हैं और उसके लिए पान करवाते हैं, पंडित जी पान करवाते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक लंबी सी लाइन है श्रद्धालुओं की, महिलाओं की अलग लाइन है और पुरुषों की अलग लाइन है। और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से एक बहुत ही बड़ा आयोजन होता है, जिसमें मेला के प्रमुख होते हैं, उसके अध्यक्ष होते हैं, कोषाध्यक्ष होते हैं। तो हमारे ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे परिवार को ही मिलता है, हमारे समाज के लोगों के, हमारे भाई बंधु को ही मिलता है। तो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए ग्रामीण हमारा भी होता है कि इसे बहुत ही शांति और भव्य तरीके से, अच्छे तरीके से लोगों को इंजॉय कर सके और उसको सही तरीके से चलाएं। इसके साथ साथ हम प्रशासन की भी मदद लेते हैं सिक्योरिटी के लिए। तो एक बहुत ही बड़ा ये एक तरह से प्रबंधन है, मैनेजमेंट है, जो बहुत ही प्यार और दिल से निभाया जाता है। वो कहते हैं ना कि भगवान और इंसान के बीच की जो एक डोर होती है वो श्रद्धा की होती है, जो बांधे रखती है। और हर एक साल हमें आने पे हमें खींचे चले आते हैं, हम लोग खींचे चले आते हैं यहाँ पे। ये देखिए मैं हूँ अपने भाई के साथ। और बलि प्रदान की एक प्रथा है जो सदियों से चली आ रही है इस ग्राम में। हमारे दादा परदादा ने स्थापित किया था इस काली माँ की प्रतिमा को, और इसका बहुत बड़ी मान्यता है जो सदियों से चली आ रही है। तो मैं जब भी यहाँ आता हूँ तो मैं फ्लैशबैक में चला जाता हूँ, अपने बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं। मैं हर एक साल हमारे पिताजी हमें यहाँ लेके आते थे और हम लोग थ्रू आउट मेला इंजॉय करते थे। ये हमारे पंडित है, आप देख सकते हैं भगवान झा, इनका नाम ही भगवान है, और इनकी भी बहुत बहुत मान्यता है हमारे गाँव में। तो पूजा अर्चना के साथ साथ हम बहुत सारे पकवान वगैरह भी खाते हैं, तो पूरी मस्ती होती है हमारे।
और बहुत सारे गेस्ट आते हैं, सभी के गेस्ट आते हैं, बहने, जीजा जी, दामाद, घर के और उनके बच्चे, और जी देश विदेश में कहीं भी इस गांव के लोगों, कितने भी प्रतिष्ठित ऊंचे पोस्ट पे क्यों ना हो, लेकिन छुट्टी लेके, कम से कम 10 दिनों की छुट्टी लेके दिवाली और छठ में ज़रूर आते हैं, तो सबसे मिलना भी होता है, तो ये एक बड़ा अच्छा सा माहौल बनता है, एक दूसरे के साथ मिलना, फ़ोटो खिंचाना, मस्ती करना, और बिल्कुल रिलैक्स सा माहौल रहता है। तो ये परंपरा जो है और कल्चरल ट्रेडिशनल मिथिलांचल की आप यहाँ देख सकते हैं, क्योंकि बहुत बहुत ऊर्जा देता है लोगों को, और लोग दिल से निस्वार्थ भाव से बिना किसी और सेवा करते हैं काली माँ की। आप देख सकते हैं ये हमारी कुंदन बाबा हैं जो हमें मदद कर रहे हैं, बहुत ही भव्य और धार्मिक सा दृश्य आपके सामने। मैं आपको मेला का भी दर्शन कराऊंगा इस वीडियो के बाद, क्योंकि वो सबसे बड़ा अच्छा रहता है कि दुकानें रहती हैं, कई सारी दुकानें होती हैं, यू नो 60s और 70s में मूवीज़ में आप देखे होंगे, तो वैसा फीलिंग आपको ज़रूर मिलेगा, जहाँ जलेबियाँ छनती रहती हैं, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, नॉल, मतलब तरह तरह की मिठाइयाँ, मेरे हिसाब से 25-30 तो मिठाई के ही दुकान रहते हैं। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम का आयोजन होता है, इसके साथ साथ क्यूज प्रतियोगिता जो होती है वो भी होती है, और बहुत अच्छे अच्छे रिवार्ड मिलते हैं यंग टैलेंट को, तो उस सबको भी प्रोत्साहन हमारे घर की तरफ से और पूरे समाज की तरफ से, हमारे गांव की तरफ से दिया जाता है। तो अब देख सकते हैं श्रद्धालुओं की भीड़, मैं यहाँ वाइट कुर्ते में आपके सामने खड़ा हूँ, दिख रहा हूँ, दोस्तों अब ले चलते हैं मेले की तरफ, जो कि आप देख सकते हैं जलेबियाँ छन रही है, और ये मेरी वीकनेस है जलेबियाँ, जलेबी मुरी हमें नाश्ता में मिलता है और हम बहुत इन्जॉय करते हैं, बिल्कुल बचपन की यादें जो होती है ना वो ताज़ा हो गई, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना। जी हाँ, तो मैंने बहुत सारे बचपन के दोस्तों से यहाँ मिला जो गाँव के थे, और हमने बहुत सारी मस्तियाँ की। तो ये आप देख सकते हैं किस तरह से बर्गर, चाउमीन और अन्य चीज़ें मिलती हैं मेला में। वैसे खाना तो हाइजीनिक नहीं होता ऐसा बोलते हैं, बट चलता है कभी कभी इन्जॉयमेंट के लिए। तो ऑफकोर्स जब घर के बगल में जब मेला लगा हुआ हो और खाने की इतनी वैरायटी मिल रही हो, तो नोबडी वांट्स टू मिस, राइट। ये देखिए चाय बन रहा है, किन किन चाय पीने वाले कौन कौन है, वो अपनी हाजिरी लगाएं। ये देखिए वंडरफुल, राइट, बिल्कुल 70s 80s की याद आती होंगी, ऐसे ही शोले मूवी आपने देखा होगा या फिर कोई मूवी देखा होगा, तो बिल्कुल वैसा ही है। Come on!
Thank you.